बाकी सारे काम संपन्न हो गए हैं। पुल के लिए मैंने 31 जनवरी मैंने कहा, अब उसकी हमको ऐसी जरूरत भी नहीं थी, अभी जो है वो 31 जनवरी के आसपास पूरा होगा। और एक पुल जो है ऋषिकेश वाला, उसको हम बना इस समय देंगे ताकि जिस समय पूर्ण कुंभ होगा उस समय जो है वो बरदाई सिद्ध हो। और मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि अब पूर्ण कुंभ की तैयारी भी इसी समय से प्रारंभ कर दें। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया की। जिले के बैकुंठपुर गांव में समाज से जुड़े और अपने अपने क्षेत्रों में इतिहास बताने वाले लोगों का प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया है। शिक्षा, खेल प्रतियोगिता, स्वास्थ्य, राजनीति, समाज सेवा से जुड़े प्रतिभागियों को कार्यक्रम के अतिथि राज्यसभा सांसद श्रीमती कलकत्ता सिंह माला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। समारोह में भोजपुरी गीतों के कलाकारों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद ने कहा कि ये एक सराहनीय कदम है, इस सम्मान में समूचे जनपद का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिले के विकास को लेकर जल्द एक बड़ी कार्य योजना भी बनाई जाएगी। तो कोटद्वार में ऊर्जा निगम की ओर से चलाए जा रहे बिजली बचाओ अभियान के तहत विद्युत वितरण खंड कार्यालय में उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब वितरित किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सुरेश सिंह नेगी ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में बिजली की कम खपत करने के लिए लोगों को एलईडी बल्ब वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक राज्य में 5.5 लाख एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। इस मौके पर बिजली विभाग के अधिकारी दुर्घटनाओं में लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया, जिसे पुलिस महानिरीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया है और शुरू भी कर दिया। कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सीट बेल्ट, हेलमेट पहनना और ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करना ही जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान पुलिस वर्ग के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। तो हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला शुरू हो गया है। इसके साथ ही पुलिस और खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बम निरोधक दस्ते भी रुड़की में डेरा डाल रखा है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर आ रही है। गौरतलब है कि हाल ही में पठानकोट आतंकी हमले के बाद से ही प्रशासन ने अर्धकुंभ को देखते हुए यूपी से लगने वाली सीमाओं पर नजर रखी जा रही है और हाल ही में दो बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से हरिद्वार आने जाने वाले सभी वाहनों की तलाशी की जा रही है और साथ ही साथ चौकसी भी बरती जा रही है पुलिस के बिहाव से। उत्तराखंड बीएल एक किराने की दुकान पर शराब बेचने का मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी लगते ही स्थानीय महिलाओं ने दुकान पर हंगामा कर दिया। दरअसल दुकान में उत्तर प्रदेश से शराब लाकर बेची जाती थी, जिसकी जानकारी महिलाओं को लग गई। महिलाओं ने दुकान पर धावा बोलते हुए दुकान से 40 के पाउच शराब के पाउच बरामद किए। इस घटना के बाद महिला और दुकानदार के बीच जमकर हंगामा हुआ। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई और पुलिस भी मामले से सीमा को लेकर टोल मटोल करती नजर आ रही है।
हिरासत ले लिया है और कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। तो हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला शुरू हो चुका है और विरोध के स्वर भी बुलंद नजर आ रहे हैं। इस बार महिला साध्वी अलग अखाड़े और शाही स्नान के लिए जगह की मांग लेकर प्रशासन के सामने है। महिलाओं के लिए अलग से अखाड़ा बनाकर मेले में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद संत समाज में तकरार खुलकर सामने आ गया है। महिला संतों की 14वें अखाड़े की मांग को अखाड़ा परिषद जहां सिरे से नकार रहा है, तो वहीं संतों की आपसी खींचतान के बीच मेला प्रशासन कोई फैसला लेता नजर नहीं दिख रहा है। तो इस वक्त बुलेटिन में छोटे से वक्त ब्रेक का वक्त चला है, चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।